छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार भूपेश सरकार के एक और फैसले को बदलने जा रही है। सरकार ने राजिम से में पहले की तरह राजिम कुंभ मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। देखिए खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में बरसों से माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद इस मेले को राजिम कुंभ का नाम देते हुए भव्यता दी गई, जिसे देश भर में राजिम को प्रसिद्धि भी मिली और मेले के दौरान देश भर से नामी साधु संत राजिम आते थे। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजिम कुंभ का नाम बदलकर माघी पुन्नी मेला कर दिया गया था। वहीं मेले में पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। आइए जानते हैं राजिम कुंभ के बारे में। राजिम कुंभ मेले की खास बातें। महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम में स्थित है राजिम। छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम के नाम से है ख्याति। भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव का ऐतिहासिक मंदिर है। माघ में हर बरस लगता है 15 दिनों का पुन्नी मेला। 2005 में भाजपा सरकार ने इसे राजिम कुंभ का नाम दिया। कुंभ मेले के आयोजन को भव्यता प्रदान की गई। 2019 में भूपेश सरकार ने कुंभ मेले का नाम बदला, राजिम माघी पुन्नी मेले का नाम दिया गया। अब भाजपा सरकार इसके नाम को फिर से राजिम कुंभ करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र में ये मुद्दा शामिल था। सीएम विष्णुदेव साय राजिम में कुंभ मेला मनाने की कर चुके हैं घोषणा। विधानसभा के इसी सत्र में आएगा संशोधन विधेयक। सरकार बदलने के बाद योजनाओं और उनके नामों को बदलने का चलन हो गया। इस पर सियासत फिलहाल तो रुकेगी नहीं, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बदलाव सार्थक हो ताकि जनमानस इसे स्वीकार करे। जहां तक राजिम पुन्नी मेले का सवाल है तो उसे भव्य रूप मिले ये कौन नहीं चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।